पहली बार तो तुम बच गई थपकी, अगला बार नहीं बचोगी। बचेगी नहीं थप 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 किया, अब तक तो मर ही चुकी होगी। इसके मरने की खुशी में इन सब को कुल्फी खाने देते हैं, हम जाके देख के आते हैं। शंकर, ये कुल्फी इन लोगों को बांट दो, हम रसोई में जाके देखते हैं और कुल्फी सब ठीक से जमा है कि नहीं जमा है। ठीक है, लो खिला दो सबको। कोसीमा ने अपने हाथ से बनाई है, उन्हें बहुत अच्छा बनाती है, हम खा के दिखाएं का? ये तो बहुत अच्छा बना है, खाइए ना आप लोग। ये थपकी कहाँ रह गई? वो बड़ी सासू माँ अपने रूम में गई है किसी काम से, वो जल्दी आ जाएगी। आप कुल्फी खाइए ना, बहुत ही ऑसम है, मेल्ट हो जाएगी। एक बार हम देखते हैं कि तुम कैसे बचती हो थपकी। माथा काहे पकड़ी है? क्या कर फिर, पहला बार में बच गई थी, दूसरा बार में आप बीच में आ गए, नहीं तो अच्छा खासा निकल जाती। हमको तो समझे में नहीं आ रहा है, भगवान कौन सा पेन से उसका किस्मत लिखे। अब तो एक ही कुल्फी बची होगी, बर्फ की तेज धार वाली। अब कुछ नहीं हो सकता है, काहे कि अब तो नीचे सबके साथ जा रही, आरती उड़ती होगा ना। एक काम करते हैं, वो जब पूजा कर रही होगी ना तभी उसको टपका देते। वाह कैसे? देखिए, ठीक है फिर आप जाइए और सब इंतजाम कीजिए, हम जा रहे हैं वो बुढ़िया के पास, काहे कि चैलेंज दिए है ना, उसको लेकर आते हैं, वो भी तो अपना आंख से देखे कि उसका बहू कैसे परलोक से धारती। चलिए। सब कुल्फी खा के चले गए, ये सबकी बतानी क्यों अब तक नहीं है, ये रह कहाँ गई? मिल गया फुर्सत। और क्या हुआ? हमारी माँ की इतनी बड़ी बेइज्जती करके पूछ रहे हो क्या हुआ? बेइज्जती? मैं हमारी माँ ने अपने हाथों से सबके लिए कुल्फी बनाई, सब खाकर चले भी गए और तुम जानबूझकर देर से आई ताकि तुम्हें वो खानी ना पड़े। देखो कुल्फी की हालत, पिघल गई वो। नहीं नहीं बिहान, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो खाने आई रही थी। अब इसका कोई फायदा नहीं है आपके, जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो।
बिहान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की जय। आप ही बोली थी ना कि आपको गणेश जी का दर्शन करना है, तो ले आए हम सबके बीच में, आपको करा देंगे गणेश जी का दर्शन। पर ये है कौन? दादी है तुम्हारी। हाँ? वो क्या है ना, ये हमारी काकी माँ है, गांव से आई है, तो तुम्हारे लिए तो दादी समान हुई ना। क्या है ना, ये तीर्थ करके लौटी है, आज शाम के बस से गाँव वापस जा रही है, तो उससे पहले बोली कि हम इनको गणेश जी का दर्शन करा दें, तो हम इनको यहाँ ले आए। हम गलत तो नहीं किए है ना? अरे नहीं नहीं, बल्कि अच्छा किया जो ये आ गई। हम समझ लेंगे कि हमारी माँ जी आ गई हैं गणेश पूजा करने के लिए। पर ये दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कैसे बोलेंगी, गूंगी बहरी है बेचारी, कुछ समझती नहीं है। ये कुकु कुछ कुछ कहना चाहती है। कहां से बेटा, कुछ समझेंगी तब ना, खाली बीच बीच में ऐसे जानवर की तरह हिलती रहती हैं घूंघट के अंदर। कुछ है, चलो हम लोग पूजा करते हैं ना। पर कोसी देवी, इनको कहिए ना कि अपना घूंघट हटा ले। वो क्या है ना, हम सब में सबसे बड़ी तो यही है, तो अपना ऑसम वाला फेस दिखाने में क्या जाता है। हाँ, वो क्या है ना, ये पुराने ख्यालात की है, सिर्फ दादाजी या भगवान जी के सामने अपना घूंघट हटाती है। दादाजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो भगवान जी के सामने ही घूंघट हटाएंगी। सही कह रहे ना, हम भी पागल है, ये काहे समझेंगी। चलिए कुछ नहीं बेटा, चलो पूजा करते हैं। ऐसा पगला की तरह ही ऐसे ऐसे करके हिलेंगी तो गिरेंगी ना, हमको भी गिराएंगी। कुछ नहीं, चलो चलो पूजा कर। कोसी माँ, जॉन जी का इंतजार नहीं करेंगे का? उनके बिना ही पूजा करेंगे। अरे वो क्या है ना, वो अपने दोस्त के घर गया है, आज वहीं पे गणेश जी का पूजा करेगा, कल आएगा। चलो चलो हम लोग पूजा करते हैं। अरे काकी माँ, तुमको गणेश जी का दर्शन कराए। ये देखो भाई, हम नहीं देख रहे हैं तुमको, देख लो। देख लो पूजा, तुम बढ़िया, हम तुमको बोले थे ना कि हम चैलेंज जीत जाएंगे, तो देखो हम जीत गए। और अब तुम अपना आंख से देखोगी कि ये तुम्हारी प्यारी थपकी पर लोग कैसे सिखाते। बस गांठें खुली और थपकी की सांसें रुकी, क्योंकि आज की आरती थप थप थपकिया ही करने वाली है। देख ली काकी माँ। हाँ थपकी बेटा, आज का आरती तुमको करना है ना, आओ आरती करो, पूजा शुरू करते हैं, आओ।